खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान, खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। यूं कहें तो बेंगाबाद थाना क्षेत्र जमीन विवाद में जहां दिन ब दिन उलझता जा रहा है, वहीं एक से बढ़कर एक नए मामले रोज देखने को मिल रहा है। ऐसा ही वाकया बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लुप्पी गांव में देखने को मिला। बताया जाता है कि बार बार दीवार खड़ा कर रहा है, लेकिन बार बार दूसरे भाई के द्वारा दीवार को गिरा दिया जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि ये लोग तीन भाई हैं और तीनों भाइयों में आपसी रंजिश व पुरानी दुश्मनी है, जिसके कारण ये लोग आपस में मिलकर रहते नहीं हैं, जिसके कारण एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले तीनों भाई अब जान के दुश्मन बन के बैठे हैं। बताया जाता है कि संतोष नामक भाई के द्वारा दीवार खड़ा किया जाता है, तो वहीं अरविंद नामक भाई के द्वारा दीवार को गिरा दिया जाता है। आइए देखते हैं क्या कहती है महिला। एगो महिला एगो हम छटका मकी तीनियों में नाप जोख हो गए है। एक बजे गाँव वाला के लाके से तीनियों गटा के तीन हिसाब अटाल गए। हमारे हिसाब देखो देखो कतनिया थू और देखो कुमक सीमान में है, लेकिन हम यहाँ घर छाड़े पुरु गए। जब जी दवाल दे पूरे तब जी दबला के तोड़े पुरु थी। दो बजे दवा एक बजे तोड़ल थी तब छोड़ दिए और फिर आके दवाल दलिए फिर तोड़ दिला। कौन तोड़ देता है? अरविंद दास। क्या हुआ आपका नाम? परमिला देवी। कहाँ का रहना? लुपी के पीछे घर किसका है? अरे वाला भैया पे बोले ना जाने हो ना बोलो जी। हां दलाई 60000 60000 टका दलाई देबला पर 60000। हां हां हे दे धर धर 60000 टका दलाई हो तबन देला तोड़ लाई। ओ 60000 भैया पे हिस्सेदार हटे पानी पर हिस्सेदार से हम पैसा दे के बने ले घर। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।